तो फ्रेंड्स नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि 11lab एक वेबसाइट है जहां से हम AI वॉइस को जनरेट करते हैं, लेकिन 11lab पर आप अगर ज्यादा AI वॉइस को जनरेट करेंगे तो वहां पर आपकी जनरेट नहीं होती है, वेबसाइट आपसे पैसा मांगती है या फिर आपकी दिक्कत होती है ये वाली, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और साथ में अगर आप जो यहाँ पर AI वॉइस को जनरेट करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिक्कत आती है कि आप 333 करेक्टर से ज्यादा की AI वॉइस को जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इसी का सॉल्यूशन देने वाले हैं। अगर आप AI वॉइस बनाते हैं, AI वीडियो बनाते हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको 11lab का एक ऐसा सीक्रेट बताने वाले हैं। अगर आपको उसे पता लग गया तो आप क्या करेंगे, ये 333 करेक्टर का AI वॉइस नहीं बनाएंगे, फिर आप हजारों करेक्टर के AI वॉइस यहाँ से फ्री में बना सकते हो, आपको कोई पैसा नहीं देना है। मैंने खुद बनाए हैं और मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपको यहाँ पर समझाऊंगा, लेकिन आपको एक सीक्रेट जरूर लगाना पड़ेगा तभी जाके आप ये काम कर पाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, आपके लिए इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ, शायद यूट्यूब पर ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम आपको AI से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट लेके आते रहते हैं और आते रहेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, देखिए AI वॉइस जनरेट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा 11lab की वेबसाइट पर। तो सबसे पहले हम आपको जब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत लंबी स्क्रिप्ट भी होनी चाहिए, क्योंकि 333 करेक्टर तो आप बना ही लेते हैं, लेकिन हम आज आपको बहुत लंबी हजारों करेक्टर की AI वॉइस को जनरेट करना बताएंगे। तो हमारे पास हजारों करेक्टर का एक स्क्रिप्ट भी होना चाहिए। हमारे पास स्क्रिप्ट भी है, आप अपनी स्क्रिप्ट को नोट कर लीजिएगा या फिर कॉपी कर लीजिएगा। मैंने अपनी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लिया है, जो बहुत लंबी स्क्रिप्ट है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 11lab सर्च करना है गूगल पर। तो गूगल पर जाकर हमें 11lab सर्च करेंगे और यहाँ आपको जो सबसे टॉप पर वेबसाइट आएगी 11lab की, इसको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको 333 करेक्टर का जो है यहाँ पर स्क्रिप्ट डालने के लिए आ रहा है। अगर आप यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट डालते हैं तो बाकी स्क्रिप्ट आपका गायब हो जाएगा, मात्र 333 करेक्टर का स्क्रिप्ट रह जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप यहाँ पर AI वॉइस जनरेट नहीं कर पाते हैं ज्यादा बड़ा। छोटा सा तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगर आप बार बार करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है, वही मैंने जो आपको बताया था, एरर आती है ब्लैक कलर से। तो अब आपको क्या करना है, देखिए आपको यहाँ क्लिक नहीं करना है, ना ही आपको यहाँ स्क्रिप्ट डालनी है और ना ही आपको यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करना है। सिंपल आपको सीधे एक 3 डॉट का बटन आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने दो तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं। पहला आ रहा है यहाँ पर साइन अप का और एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, देखिए साइन इन का। तो सिंपल आपको साइन इन पर क्लिक करना है, साइन अप नहीं करना है। तो साइन इन करने के बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं। तो इन तीन में जो पहले दो ऑप्शन है वो आपके काम के हैं। पहला जो ऑप्शन है गूगल का है और सेकेंड नंबर आपका फेसबुक का है। तो सबसे पहले आपको गूगल से इसमें साइन इन करना है। तो मैं अपने जीमेल आईडी से इसमें साइन इन कर लेता हूँ। ध्यान रखना है कि आप अपने यूट्यूब चैनल वाली आईडी से किसी भी वेबसाइट पर साइन इन मत करना, यहाँ आप एक अपनी दूसरी आईडी बना लीजिए, उससे साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद हमारे सामने एक टास्क का ऑप्शन आता है। टास्क के अंदर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला मिलता है हमें टेक्स्ट टू स्पीच, मतलब स्क्रिप्ट से हमें वॉइस मिल जाएगी। दूसरा हमें मिलता है स्पीच टू स्पीच, मतलब आप अपनी खुद की वॉइस को अपलोड करेंगे और उसको 11lab एक हाई क्वालिटी में वॉइस जनरेट करके दे देगा। तो हमको क्या करना है, स्क्रिप्ट से वॉइस बनानी है तो टेक्स्ट टू स्पीच पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे फिर आपके सामने एक सेटिंग का बटन खुलेगा। तो आप सेटिंग में आप देखेंगे तो आपको एक वॉइस मिल रही है, इसका नाम है रेकिल। तो ये आप देख सकते हो, ये जो वॉइस मिल रही है आपको इस वॉइस के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आपने यहाँ पर कर दिया तो फिर आप फ्री में नहीं बना पाए, इसको आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, यही वॉइस लगे रहने देना है। अगर आप सोचे कि हम वॉइस को यहाँ पर चेंज कर लें, करेक्टर चेंज कर लें, तो फिर भैया आपको पैसा देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जो वॉइस लगी हुई है बहुत अच्छी वॉइस है, जब आपका वॉइस जनरेट होगा तब आप इसे सुनेंगे, बहुत अच्छी है। तो आपको चेंज नहीं करना है, यही वॉइस रखना है। और यही वॉइस रखने के बाद आप नीचे देखेंगे स्क्रिप्ट डालने के लिए आ रहा है, और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो 2500 करेक्टर तक आप यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट को डाल सकते हो। जहां पर बिना लॉगिन किए आप 333 करेक्टर डाल सकते थे, वहीं आप यहाँ पर लॉगिन करने के बाद में 2500 करेक्टर डाल सकते हो। मैंने आपको बताया था हजारों में आप यहाँ पर डाल सकते हो। और अभी रुको, अभी अनलिमिटेड भी है। अभी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही अपनी स्क्रिप्ट डालेंगे, स्क्रिप्ट डालने के बाद आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, नीचे सिंपल जनरेट बटन पर क्लिक कर देना है। और जनरेट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रिप्ट यहाँ पर प्ले होती रहेगी और जनरेट होती रहेगी। तो सिंपल आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये स्क्रिप्ट हमारी जनरेट हो रही है। तो अब आप देख सकते हो हमारी स्क्रिप्ट जनरेट हो चुकी है। चलिए एक बार इसे हम सुन लेते हैं। सालों पहले रामनगर गांव के पास के घने जंगल में राजू नामक तांत्रिक रहता था।
उसे अपनी विद्या और ज्ञान पर खूब घमंड था। उसका कहना था कि वो चाहे तो सभी को अपने काबू में कर सकता है। साथ ही तंत्र विद्या की मदद से किसी को जान से मारने की कला भी उसे खूब। तो ये 2500 करेक्टर की वॉइस है, इसको सुनने में काफी टाइम लगेगा। तो इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको नीचे देखिए डाउनलोड का बटन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके इस वॉइस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप देख सकते हो ये वॉइस हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अगर हम इससे ज्यादा भी अनलिमिटेड बनाना चाहते हैं तो हम फिर से यहाँ पर 2500 वर्ड की कोई स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेंगे और ये वाली स्क्रिप्ट है यहाँ पर जो लगी हुई है इसको हटाकर अपनी वो वाली दूसरी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देंगे और फिर से हम जनरेट कर देंगे। और चलिए देखते हैं, हमारे पास 2500 की तो नहीं है क्योंकि स्टोरी हमने पूरी ही डाल दी थी, थोड़ी सी स्क्रिप्ट बची तो वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। और इसको हम फिर से जनरेट बटन पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हो भैया ये दूसरी बार भी वेबसाइट काम कर रही है। तो यहाँ से आप इतना लंबा AI वॉइस जनरेट कर पाएंगे वो भी फ्री में। बस आपको छोटा सा काम करना है, एक तो वॉइस के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, आप वॉइस को चेंज नहीं करना है, और दूसरा आपको इसमें साइन इन करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि साइन इन करने से पहले जब आप वॉइस जनरेट करते हैं तो 333 करेक्टर की होती है और वहां पर आप करेक्टर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन साइन इन करने के बाद में आपका 2500 करेक्टर का वॉइस जनरेट होता है, लेकिन आपको करेक्टर चेंज नहीं करना है, करेक्टर मतलब वॉइस आपको वही रखनी है, एक ही रखनी है, तभी जाके आप कर पाएंगे। मैंने वॉइस को चेंज करके देखा, उसके बाद मैं नहीं कर पा रहा था, तो मैं अपना बताया एक्सपीरियंस जो भी है। तो आज से उम्मीद है कि आप बहुत लंबा AI वॉइस बना पाएंगे और आप खुश भी हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो कपिल भाई को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।